दोस्तों क्या आकांक्षा दुबे को 8 लोगों ने मिलकर इस दुनिया से अलविदा किया। जी हां, एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज सामने निकल कर आया है जिसे देखने के बाद दोस्तों हर कोई हैरान हो चुका है। क्या है पूरी खबर, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। जी हाँ, आपको बता दें आकांक्षा दुबे के साथ दोस्तों जो कांड को अंजाम दिया गया, निश्चित तौर पर दोस्तों मुजरिमों ने बहुत सातिर तरीके से इस कांड को अंजाम दिया है। हम ये भी दावा कर सकते हैं कि इसमें कई सारे लोग हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि निश्चित तौर पर जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही खतरनाक था। अब ऐसे में दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आकांक्षा दुबे केस को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कई तरह के सीसीटीवी फुटेज निकल कर आ रहे हैं। इसी बीच इंटरनेट पर दोस्तों एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है जिसमें कई सारे लोगों को देखा गया है। दावा किया जा रहा है कि ये सभी लोग हथियार से लैस हैं और ये चुपके से आकांक्षा दुबे के कमरे में जा रहे हैं। और तो और दावा किया जा रहा है कि इन्हीं की वजह से आज आकांक्षा दुबे इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों आपको बता दें आकांक्षा दुबे केस को सुलझाने के लिए जांच एजेंसियां दिन रात की मेहनत कर रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है कि पुलिस वालों को सबूत तो मिला है, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ये केस 100% सुलझ नहीं पाया है। यहाँ तक कि अभी तक पुलिस वालों ने ये भी नहीं बताया है कि आकांक्षा दुबे के साथ किसने इस कांड को अंजाम दिया है, फिर क्या खुद आकांक्षा दुबे ने ये सब कुछ किया था। लेकिन दोस्तों जिस तरह के सबूत मिल रहे हैं, हालांकि हम सबूतों की तो पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह के सबूत मिल रहे हैं दोस्तों, अगर ये सच हैं तो विश्वास करिए कि जल्द ही जांच एजेंसियां और पुलिस वाले और भी कई सारे लोगों की गिरफ्तारी कर सकते हैं। आपको बता दें आकांक्षा दुबे केस में एक छोटा सा भी अहम सुराग हो सकता है, क्योंकि तमाम सबूत जो है दोस्तों वो आकांक्षा दुबे के मुजरिम तक पुलिस वालों को पहुंचाने में काफी हद तक मदद कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी फुटेज निकल कर सामने आएंगे उन्हीं के आधार पर पुलिस वाले कार्यवाही करेंगे। दोस्तों आकांक्षा दुबे के कमरे में लगा हुआ था हिडन दरवाजा, वहीं से घुसा था कातिल आकांक्षा दुबे को खत्म करने के लिए। जी हां, आपको बता दें आकांक्षा दुबे केस में दोस्तों लगातार एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच हम जो खुलासा करने जा रहे हैं आपके सामने, उसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। आकांक्षा दुबे के कमरे में दोस्तों, जिस होटल के कमरे में वो ठहरी हुई थी, दावा किया जा रहा है कि वहां पर पहले से ही दोस्तों एक हिडन दरवाजे को स्टेबलाइज किया गया था। यानी कि ये दरवाजा स्पेशली इसी वजह से लगाया गया था ताकि आकांक्षा दुबे के कमरे में दोस्तों बहुत सातिर तरीके से कातिलों को घुसाया जाए और उसके बाद कातिल अपने कांड को अंजाम देकर और बहुत सातिर तरीके से वहां से निकलकर भागने में भी कामयाब रहें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें आकांक्षा दुबे के साथ जो घटना घटित हुई है वो कोई छोटी मोटी घटना है ही नहीं, वो दोस्तों एक बहुत बड़ी घटना है जिसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई लेवल की यहां पर जांच होनी चाहिए। अभी तक इसमें समर सिंह और कई लोगों से पूछताछ हुई है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या दोस्तों आकांक्षा दुबे केस में जितने भी सबूत मिल रहे हैं, फिर वो चाहे इस तरह का कोई दरवाजा हो जिसकी पूरी तरह से हम पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर ऐसे सबूत मिल रहे हैं, ऐसी चीजें मिल रही हैं जिसका इस केस से किसी भी तरह से कोई जुड़ाव है, तो निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आकांक्षा दुबे जिनकी उम्र सिर्फ अभी 25 साल ही थी, उनको दोस्तों बहुत सातिर तरीके से इस दुनिया से अलविदा कर दिया गया। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी कुछ ऐसा ही कांड को अंजाम दिया गया, जिसके बाद ये दिखाने की कोशिश की गई कि खुद सुशांत ने इन सब कुछ चीजों को किया है, और ठीक ऐसा ही आकांक्षा दुबे केस में भी हो रहा है। तो सवाल उठना लाजमी है, अभी तक पुलिस वालों ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है दोस्तों, उनसे जाँच जारी है, उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सभी मुजरिमों को जेल के पीछे डाला जाएगा और उनसे सारा सच उगलवा लिया जाएगा। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।